हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। अमांडा ये क्या बाल खुले क्यों कर रखे तूने? माता जी ने बाल धोए। इतनी ठंड में बाल कौन धोता है? ट्रेसी ने अपनी नई सैंडल भी निकाल ली, क्या बात है। तो दो माँ बेटी नहीं मान रही भाई, कती फैशन फैशन कर रही है। क्या होगा पुत्र, ये क्या कर रहे हो? जकूजी के मजे मस्त गरम गरम है जिमी, मुझे बता दे तो मैं भी आ जाता कपड़े उतार के। अब उतार ले, बड़ी बात क्या है? नहीं यार अब नहीं उतारूंगा, मेरी कच्ची दिख जाएगी सबको दिल वाली में। तो भाई बर्फ अभी भी लगाया गाड़ी में, पर हमने बर्फ को पीछे छोड़ दिया है। भाई ये तो गाड़ियां ऐसा भी नहीं ठुकी है, ये तो पूरी भसम हो रखी है दोस्तों। गाइस मैं अपने डिफेंडर लेके, आपको पता है मैं फैमिली ट्रिप पे निकला पड़ा हूँ हिमाचल के लिए, और यहाँ देखो एक्सीडेंट हो चुका है, और एक गाड़ी तो खाई में गिरने को हो रही है पूरी की पूरी। जिमी वहाँ का टायर देख, पीछे लो बेटा से गाड़ी खाई में जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल एज पे है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं माइकल आ चुका हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके, और ये है हमारी फैमिली ट्रिप का डे 5। और बात करें जाए टॉप कमेंट्स की, तो गाइस ये रहे हमारे टॉप कमेंट्स, थैंक यू गाइस कमेंट्स करने के लिए। ठीक है, जो जो हम लोगों से शुरू से देख रहे हैं हमको, तो उनको तो पता है गाइस क्या क्या हमारे साथ पीछे क्या क्या सीन हुआ है, क्या दुर्घटना हुई है, और काफ़ी सफ़र हमने तय कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें आज की वीडियो में विस्तार में, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक तो जिमी हमें इतनी प्यारी लोकेशन में लेके आ गया ना गाइस, उस चीज़ के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सब चीज़ आपको तसल्ली से बताएंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं अपने पहले पुराने कुछ चार दिनों के बारे में। पहले दिन जब हम घर से निकले, मुझे इतना पता था कि हाँ वेदर फोरकास्ट वालों ने कहा है वेदर ख़राब होगा, पर इतना ख़राब हमें नहीं पता। हम अपने घर से निकल तो गए, पर जब हाईवे में पहुंचे, सबसे पहले तो हमारी गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुकने के बाद मैं वहाँ रुका, जिस बंदे के साथ हमारा एक्सीडेंट वगैरह हुआ उसको हमने हॉस्पिटल पहुँचवाया, एम्बुलेंस को कॉल करा। उसके बाद मैं आगे निकला तो देखने को मिला कि भाई अंधा ट्रैफिक, टनल में हम फंस चुके थे। फिर हम शाम तक बाहर निकले, कुछ खाने को पीने को नहीं मिला, फिर हमने कैंपिंग कर ली गाइस। ये था हमारा पहला दिन। अब बात करें दूसरे दिन के बारे में, तो दूसरे दिन हम उठे, हम निकले आगे की साइड, और आगे जाके जब हम कैसे ना कैसे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, तो फिर हमें पता चलता है जहां हमें पहाड़ों पे चढ़ना था वो रास्ता ही पुलिस वालों ने बंद कर दिया ड्यू टू रीज़न। और वो रीज़न ये थे क्योंकि ऊपर का मौसम इतना ख़राब था, गाड़ियां नहीं जा सकती थी। फिर वहाँ पर भी हमने कैंपिंग कर ली। अब बात करी जाए डे 3 की, तो डे 3 में हम सुबह सुबह नहा धो के, बिल्कुल 2 दिन बाद नहाए थे हम गाइस, नहा धो के निकल गए पहाड़ों के लिए। वो भी लेट हो गए हम, पर पुलिस वालों ने हमें एंट्री दे दी। हम ऊपर पहुंचे, पूरे मजे लिए, सफर काफी ज्यादा लंबा था। हमने एक गाड़ी वाले की भी मदद करी जिसकी गाड़ी पहाड़ों से बस गिरने ही वाली थी, तो उसको भी हमने रेस्क्यू करा, उससे भी जान पहचान हो गई, मस्त दोस्ती हो गई। डे 3 भी हो चुका, हम रात को स्टे कर ही रहे थे, पर हो गई दुर्घटना। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था डे 4, बोले तो कल की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देखना जरूर गाइस, ये सीरीज शुरू से। अब डे 4 में कुछ ऐसा हुआ कि दुर्घटना, बिल्कुल सही गाइस, खबर आई कि जो हाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रुप में बंदे ऊपर की साइड आए थे, एकदम से वो स्लिप हो गए, पहाड़ से भी ऐसा कुछ हो गया, बर्फ़ ज़्यादा हो गई, वो स्लिप हो गए, काफ़ी लोग गायब। फिर टीम आई, उन्होंने ऑर्डर दे दिया सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, और बर्फ़ की संभावना हो गई कि और वेदर ख़राब होने वाला है दोस्तों। तो बस इसी चीज़ में लगे लगे उन्होंने पूरे रास्ते बंद कर दिया, हमें तक ऑर्डर दे दिया कि तुम नीचे उतर जाओ। अगर हम नीचे उतरते तो हमें ये सफ़र और लंबा तय करना पड़ता, क्योंकि बहुत उल्टा रास्ता पड़ जाता हमारे लिए। कैसे ना कैसे मैंने पुलिस वालों से बात करी, उनसे बोला कि प्लीज़ हमें जाने दो, तो उन्होंने हमें जाने दिया। और अब जाके आपने देखा था बीच में कुछ दिन गैप हो गया, हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया दोस्तों, हम फाइनली हिमाचल में एंटर कर चुके हैं आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहीं पर हम होटल में रुके हुए हैं, और ये हो रही है गाइस हमारे डे 5 की बात, क्योंकि आपके लिए तो ये डे 5 वाली वीडियो ही है। हाँ लंबा सफ़र तय हो चुका है, बीच में आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे, उसके बाद हम निकले, काफी आगे निकलते गए भाई, अब क्या ही बोलूं। अब जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, आज की वीडियो देख रहे, तो उसको सब कुछ पता चल चुका है पिछले कुछ दिनों के बारे में। पर हाँ इतना जरूर कहूंगा, देखना जरूर ये सीरीज स्टार्टिंग से, इस चीज की मैं एक आपको अलग से प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा। अब बात करते हैं फिलहाल आज हम कहाँ हैं। जिमी लेके आ चुका था गाइज हमें एक रेस्टोरेंट, तो क्या एक होटल कह सकते हो यहाँ पे, और जिमी यहाँ पहले भी रुका हुआ है जब वो यहाँ पे ट्रिप पे आया था। हमारा गाइड होने वाला है जिमी डिसेंटा, बोले तो मेरा बेटा, क्योंकि वो पहले से ही इस ट्रिप में आ रखा है, उसको यहाँ के रस्तों के बारे में भी पता है, तो वो अच्छी तरह हमें बताएगा जो कि नीचे है। और टाइम आप लोगों को बता दूँ तो 12 बज चुके हैं दिन के,
अब इस टाइम तक हम निकल जाते थे कहीं ना कहीं के लिए, क्यों नहीं रुक निकले? इस चीज़ का रीज़न ये है कि मेरा मन ही नहीं करा भाई, इतना प्यारा मौसम, आप बेड से उठो और आपको कुछ ऐसा सामने का नज़ारा देखने को मिले दोस्तों, कौन ही बंदा होगा जो भाई बोले भागो भागो यहाँ से निकलो। इसीलिए मैंने कहा, पहले तो मेरा मन था एक दिन और रुक जाते हैं यहाँ पे, हालांकि हाँ एक दिन हो चुका है हमें यहाँ रुके हुए, पर फिर मैंने डिसीजन लिया यार नहीं, ट्रिप ख़त्म भी करनी है और फिर आगे और भी काम करने हैं। इसीलिए गाइस हमारा डिसीजन ये है कि आज हम यहाँ से निकलेंगे, पर जल्दी नहीं निकलेंगे। मैंने ये डिसीजन लिया, अमांडा और ट्रेसी दोनों रेडी हैं, जिमी रेडी नहीं है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे मैं बनियान में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये पूरा एरिया ना टेम्परेचर मेंटेन है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा जहाँ पे हम फिलहाल रह रहे हैं टेम्परेचर मेंटेन है, और ये कह रहे थे कि आज यहाँ पे पार्टी वगैरह भी होगी तो तुम रुक जाओ, पर भाई हम यहाँ रुक नहीं सकते, आज हमें निकलना है। हाँ, पर आते समय मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो पार्टी होगी वो आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा देख सकते हो लैपटॉप वगैरह भी रखा, जहाँ पे हम लोग अपने मस्त एडिट उडिट करके अपलोड कर देते हैं। मैं काम कुम ही कर रहा था, फिर मैं कहा थोड़ा चिल पिल कर लेते हैं, तो काम करता हूँ मैं फटाफट ना गाइस, थोड़े से कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे बाहर की साइड जाना, आपको बाहर का व्यू भी दिखाना है, जिमी से भी मिलवाना है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। ओ यह, और एक खुशी की चीज़ ये है ना गाइस, देखो पहले तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, हुडी वगैरह पहन ली मैंने, खुशी की चीज़ ये है यहाँ पे और कोई बंदे ही नहीं है भाई, ठीक है। उन्होंने बोला भाई वेदर इतना ख़राब हो गया, बंदे आ ही नहीं रही हैं, ऐसा वैसा। आप अभी भी देख सकते हो क्या नज़ारे हो रहे हैं भाई, बाहर के हिमाचल प्रदेश में क्या मज़ा आ रहा है। ओ मैका जी, चक दे फटे, लेट्स गो। हमारी प्यारी डिफेंडर गाइस यहाँ पे खड़ी, और यहाँ पे देखना कैसी कैसी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है भाई। हमारी डिफेंडर भी हमें साफ़ करनी है, साफ़ करके ही निकलेंगे। अब मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ गाइस अपनी फैमिली से, वो पीछे की साइड खड़ी है ताकि मैं आप भी उनसे बातचीत कर पाऊँ। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ है गाइस, ठीक है। ये देखो, अरे जिमी क्या कर रहा है? माता जी और ट्रेसी की फोटो खींच रहा हूँ पिताश्री। बेटा नहाया नहीं ना तू? आप बड़े नहाए, हुडी पहन के सेठ जी बन के आ गए। अच्छा यार, मेरे बेटे को सब पता होता मेरे बारे में, वो सब छोड़। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अमांडा और ट्रेसी ने जो नए कपड़े खरीदे थे ना वो निकाल लिए। नहीं, ट्रेसी ने नहीं निकाले, अमांडा ने निकाले मेरे ख्याल से। चलो अमांडा के नए कपड़े दिखाते हैं गाइस। तो ये देख सकते हो ट्रेसी और अमांडा यहाँ हिमाचल में आके फोटो शूट करवा रहे हैं अपना। नहीं भाई, ट्रेसी ने पहले नया चश्मा पहन रखा बेटे। अमांडा ये क्या बाल खुले क्यों कर रखे तूने? माता जी ने बाल धोए। अरे इतनी ठंड में बाल कौन धोता है? पर हम तो चलो धो देते हैं, हमारे छोटे छोटे हैं, वो इतने बड़े वाले बाल धो लिए। और बाकी देख लो गाइस कैसे कपड़े लेके आइए। चलो कोई नहीं गाइस, वो इसकी मर्जी। ओ बेटे, ट्रेसी ने अपनी नई सैंडल भी निकाल ली, क्या बात है। तो दो माँ बेटी नहीं मान रही भाई, कति फैशन कर रही है जिमी। कते फैशन गर्ल छोड़ी, नए कपड़े पहन के पिताश्री। बेटे मैं तो नए लाया हूँ, तू तो अपने बस गुलाबी दिल वाले कच्चे लाया है और कुछ नहीं लाया है तू। तो ये सीन है गाइस, आप देख सकते हो। और हाँ, काफी लोग सोच रहे होंगे ये स्विमिंग पूल ये जमा क्यों नहीं। देखो मेन रीजन ये है, इन्होंने ये भी मेंटेन कर रखा है टेम्परेचर, अंदर गर्म गर्म पानी है, इसलिए मेरा मन तो कर रहा है कि स्नान कर ली जाए, पर एक महीना निकलना भी है, ऑलरेडी टू लेट है। मैंने इनको बोल दिया था पहले हम जल्दी निकलेंगे, सुबह के रेडी बैठे हुए हैं, अब ये फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। जिमी नहाले फिर निकलते हैं यार। अब मेरा मन कर रहा है कि कर ही लेते हैं लेटर लेटर जब आए हैं, या फिर जब देखो जब हम दोबारा उल्टा आएंगे ना गाइस जब कर लेंगे। मैं काम कर लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ क्योंकि अपन को निकलना भी है। और जो ओनर है ना उसने मुझे इतना भी बताया था कि थोड़ा थोड़ा लोचा है सर जी, लोचा ये है कि आगे की साइड ना रास्ते हैं तो आपको खुले मिलेंगे पर थोड़े डेंजर से हैं, आड़े टेढ़े हैं। पर इस चीज़ की हमें घबराहट नहीं लेनी गाइस, क्योंकि जिमी ऑलरेडी इस जगह से गया हुआ है तो वो हमें बता देगा कैसे जाना है कैसे नहीं। मैं अपने फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ और नहाने के लिए घुस जाता हूँ। माता जी अभी आता हूँ मैं एक बार पिताश्री से मिल के। गाइस मैं देख रहा था पिताश्री ने अभी क्या क्या व्लॉग में करा है, मैं देख रहा हूँ ये इतना सब क्या कर दिया पिताश्री ने 5 मिनट। मैं एक बार पूछ के आऊँ ये क्या बकवास कर दी पिताश्री ने शुरुआत में व्लॉग। अरे ये क्या, पिताश्री तो जकूजी के मजे ले रहे हैं भाई साहब। पिताश्री क्या होगा पुत्र, ये क्या कर रहे हो? जकूजी के मजे मस्त गरम गरम है जिमी। ये सब छोड़ो, मैंने देखा रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था जो आपने अभी तक व्लॉग बनाया, ये क्या खींच दिया इतना बड़ा? वो इन्फॉर्मेशन दिया मैंने अभी तक, हम ट्रिप में क्या करा, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या सीन हुआ। अरे तो वो तो सब जानते ही है ना, जो न्यू आया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने एक लिटिल लिटिल इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब वो सब तो ठीक है गाइस। हाँ तो वो इन्फॉर्मेशन ही है तो कुछ ऐसा नहीं है, पर पिताश्री यार मुझे यार मैं बताया नहीं जकूजी में गर्म गर्म पानी है। तेरे बाप दादा बैठेगा अभी जिमी जकूजी में, जो तेरे को जकूजी में बैठना, चले जाए यहाँ से बेटे। यहाँ बाप दादा को तो नहीं पता, पर बाप तो बैठा देखो अभी। देख कॉमेडी करवा लो इनसे। अरे नहीं यार पिताश्री भाई, मुझे भी जकूजी में नहाना है। उतार फिर कपड़े, उतार जल्दी यार। पर ऐसे सबके सामने नंगे थोड़ी नहा पाऊंगा यार, ऐसा थोड़ी होता दोस्तों, मैं तो यूं ही नहाऊंगा पिताश्री। देख ऐसे कौन करता है यार। अरे यार गंदा क्या करा पिताश्री, मैं बहुत शुद्ध बंदा हूँ। शुद्ध, वाह बेटे वाह। चल भाई अब क्या बोलूं, तो
तो गाइस मैं भी पिताश्री के साथ जकूजी में मजे लेता हूं, बैठ जाता हूं यहां पे। हां पर वो बात है, मैं कपड़े पहन के बैठ गया, पर क्या ही दिक्कत है। मैं नंगा क्यों हूं, मेरी कच्ची दिख जाएगी सबको, वो मेरी दिल वाली ए ये। दोस्तों आप देख सकते हो जिस होटल में हम रह रहे हैं ना, यहां पे पिताश्री और मैं मस्त जकूजी के मजे ले रहे हैं। यार पिताश्री यार आप अकेले अकेले जकूजी में बैठ गए यार, मुझे बता देते मैं भी आ जाता कपड़े उतार के। अब उतार ले, बड़ी बात क्या है। नहीं यार अब नहीं उतारूंगा, मेरी कच्ची दिख जाएगी सबको दिल वाली, मैं नहीं उतारूंगा दोस्तों, ठीक है। पर यार आप लोगों से तो क्या ही छुपाना, आप लोगों को पता है, पर सच बताऊं मैं तो कपड़े पहन के बैठा हूं भाई, बिना कपड़े पहन के भी बैठूंगा। पर यार गर्म पानी में अलग ही मजा आ रहा है, बाहर ठंड है, हम हुडी वगैरह पहन के जा रहे हैं और अंदर इन्होंने क्या मेंटेन कर रखा है। पिताश्री पीछे से साबुन देना, रगड़ लूं मैं कपड़ों के ऊपर साबुन लगाएगा क्या तू, अब कैसी बातें करता है। अरे भाई मैं ऐसी नहाता हूं यार, आपको क्या पता यार, आपको नहीं पता कुछ, अभी बच्चे हो। मैं बच्चा हूं, बकवास करवा लो इनसे यार, देखो। अरे बकवास थोड़ी कर रहा, चलो अब देखो गाइस पिताश्री और मैं जकूजी में बैठे हैं, बातचीत ही कर लेते हैं, क्या प्लान है फिर आगे का। आगे का प्लान तू बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगा, देख क्या यार। मैं बताऊं तो पिताश्री वी आर ऑलरेडी टू लेट, निकल जाते जल्दी तो आगे तक चले जाते, अब कहां अपन को कुछ रहने की जगह नहीं मिलेगी। कैंप कर लेंगे और क्या, टेंट लगाओगे मेन सीन, अगर कहीं रास्ते में जाम मिल गया ना फिर टेंट रास्ते में लगाना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह भी नहीं मिलेगी टेंट लगाने की। उसकी दिक्कत नहीं है, मैंने सुना वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ये बताओ। एक्सीडेंट प्रोन एरिया तो है पिताश्री, पर हम आराम से चलाएंगे, मुझे इस जगह के बारे में पता है, मेंटेन स्पीड में रखो, आराम से चलाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। पर आपको बहुत गाड़ियां दिखने वाली है जिसमें ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो रखी होगी, जली जुली होगी ये। चलो फिर नहा लेते हैं फिर निकलते हैं और क्या यार। तो ठीक है गाइस पिताश्री और एक बार मैं स्नान कर ले, मेरे को कपड़े उतार के पड़ेंगे क्योंकि स्नान तो जरूरी है गाइस, फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं काम करता हूँ, स्नान बाद में करूँगा, सबसे पहले डिफेंडर जो अपनी गाड़ी है गाइस उसे भी तो चमकाना है, ठीक है। तो एक बार हम रेडी हो जाएं पूरे, फिर आप लोगों से मिलते हैं, फिर आएगा असली मजा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इट्स टाइम टू बाय, बिल्कुल इस होटल को हमें बाय कहना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं ना वहाँ का रास्ता क्लियर है, मतलब इन दिस सेंस जो इतने दिनों से आप ये वाइट दुनिया देख रहे हो ना, हमें वहाँ बर्फ़ नहीं मिलेगी, पर हाँ रोड आड़े टेढ़े हैं इतना इन्होंने कहा है, क्योंकि हमारा जो रूट है वो हमने चेंज कर लिया है। क्यों, इसका रीज़न ये है, जिस रूट से हम जाने वाले थे वहाँ भैया रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अब क्या करें, अब घूम के हमें जाना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा रूट, पर अब निकलना पड़ेगा ही। हमने सारी पेमेंट वेमेंट कर दी है होटल की, गाड़ी अपनी रेडी है, मेरे कपड़े आप देख सकते हो ये वाले मैंने पहन लिए हैं, और वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और साथ ही साथ सही लगेगा तुम्हें, इतने दिनों से जो हम बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये सफ़ेद दुनिया, अब हमें रंगीन दुनिया भी देखने को मिलेगी। अब ऐसा सीन उन्होंने बोला तो है, एक बार देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। लेट्स गो, अपनी डिफेंडर स्टार्ट करते हैं भाई। ओके हाँ भाई जिमी जी, बोले जनाब। बेटे चश्मा पहन के आज नहीं मान रहे भाई, आज कोई नहीं मान रहा भाई, देखना जिमी चश्मा पहन के बैठा, अमांडा ने नहीं पहना, चलो ट्रेसी चश्मा पहन के बैठी, फैशन कर रहा लड़के, क्या बात है हिमाचल प्रदेश में आके। ऐसा ही अपना तो पिताश्री, मैंने सुना आप रास्ते में थोड़ा चेंजेस कर रहे हो, क्या सीन है मुझे बता भाई, कहाँ से जाना है कहाँ से। हाँ वो तेरे वाले रास्ते से जाएंगे हम, क्योंकि बीच में ना गाइस हमने सोचा कि जिमी उस रास्ते से गया है क्यों ही जाएं, पर अब उसी से ही जाना पड़ेगा, तो ठीक है। वहाँ ये बोल रहे हैं जिमी कि वो नहीं होगी बर्फ नहीं होगी। हाँ वो तो है, मौसम एक नंबर का कड़ा हो, ग्रीनरी बहुत होगी, देखना। चल देख लेंगे जैसे भी रास्ते है गाइस, अब क्या बोल सकते हैं, अपनी डिफेंडर तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ओ खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, बेटे दिल पर किसी दा दुखायो ना। तो गाइस हमारा डे 5 आपको कैसा लगा, फिलहाल आप देखना काफ़ी, यार सच बताऊँ तो काफ़ी लेट निकल रहे हैं हम, 12 बजे मैंने आपको दिखाया था, अब 2 बज चुके हैं गाइस, यहाँ से निकलते निकलते आगे के नज़ारे पता नहीं क्या होंगे क्या नहीं, इतना है आज हम कैंपिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ भी अपन को मिलेगी वहाँ कैंप लगा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो जिस हिसाब से हम निकले थे हमने पहले ही सोच रखा था होटल में ज़्यादा रुकना नहीं है, पर जिमी ने बोला इतना प्यारी जगह है, तो मैं कहा ठीक है भाई रुक लेते हैं, रुकने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो अब बिना किसी दिक्कत के हम जा रहे हैं भाई उस लोकेशन पे, अब देखते हैं भाई, अब इतनी चढ़ाई चढ़ के हम इस रास्ते से आए, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना है, अब क्या बोलूँ, ये चीज़ थोड़ी बेकार लगती है भाई, अब रास्ते भी तो हमारी सेफ्टी के लिए ही तो बंद हो रखे हैं, अगर हम उस रास्ते में चले गए दोबारा से वहाँ पे दुर्घटनाएं हो गई, क्योंकि बताया ये जा रहा है इतनी स्नो है कि गाड़ियाँ भी नहीं निकल पा रही है दोस्तों, तो इसीलिए उस रास्ते में जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता, बेशक डिफेंडर ले रहे हो हम, जब गाड़ी फंसेगी तो फंसेगी, जब कुछ नहीं कर सकते तुम, इसीलिए वो रास्ता लेते हैं जो चालू है खाम खाम। वाह देखो जब हम ऊपर पहाड़ों पे थे जब तो पुलिस वालों को मना लिया, क्योंकि उसने ताज़ा ताज़ा बंद कर रखा था रास्ता, वहाँ नहीं मना पाएंगे, इसलिए चलते हैं एक बार उस लोकेशन में, क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद अब आपको बर्फ़ नहीं देखने वाली, पर आगे हाँ जरूर दिखेगी, बताता हूँ आपको पहले लोकेशन में तो चलें।
तो फाइनली दोस्तों काफी जमाने बाद आपको रंगीन दुनिया देखने को मिल रही होगी। हमारी जो ये गाड़ी कह सकते हो गाइस, देख सकते हो हमारी जो ये डिफेंडर है ना, बर्फ वाले इलाके को छोड़ के आ चुकी है। ये रंगीन दुनिया वाले इलाके में देख सकते हो भाई, बर्फ अभी भी लगा है गाड़ी में, पर हमने बर्फ को पीछे छोड़ दिया है। जिमी कैसा लग रहा है? मैं तो आया हूँ, आप बताओ कैसा लग रहा है? भाई रोड तो भाई सही में नेक्स्ट लेवल है गाइस। यहाँ हिमाचल की साइड आके तो ऐसा लगता ना अलग ही वाइब आ चुकी है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। क्यों मांडा देख सकते हो गाइस कैसा सीन है। और जिमी ने मुझे यही बोला, हम काफी टाइम हो गया हमें इन रस्तों में आते हुए, जिमी ने मुझे ये बोल रहा है आगे आपको इस एरिया में एक्सीडेंट दिखेंगे। इसका मेन रीजन जिमी, भगा भगा लाते हैं ना बंदे और कट है यहीं से। अच्छा भगा के आते हैं बंदे, तो देख रहे हो गाइस जिमी क्या बोल रहा है, तो आपको दिखाता हूँ अगर कोई दिखेंगे तो। अरे हाँ भाई जिमी तू सही कह रहा था, इस एरिया में ना गाइस एक्सीडेंट बहुत होते हैं। आप देखो भाई यहाँ कितने एक्सीडेंट हो रखे हैं। जिमी आप आराम से चलाना। अरे मैं तो आराम से चलाऊंगा भाई। जिमी आ रखा तो गाइस इसे नोले जाओ बेटे रे भाई रे। जिमी तुम बैठे रहो, मैं एक बार उतर के देखता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, जिमी तो आ ही रखा है यार, मैं आपको दिखा दूँ भाई। ये तो गाड़ियाँ ऐसा भी नहीं ठुकी है, ये तो पूरी भसम हो रखी है दोस्तों। अरे देवा अरे देवा, एक खबर तो मैंने सुनी थी इस इलाके के बारे में कि अभी कल परसों एक गाड़ी गिरी है, पर ये क्या सीन है भाई। और मोस्टली बताऊँ ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस होते हैं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसलिए ये चीजें तो करनी ही नहीं चाहिए। जिमी यार यहाँ देख के तो मेरे को डर लग रहा। लाओ मैं चलाऊँ फिर। अरे ना तू रहने दे, तू चश्मा पहन के सलमान खान की तरह बैठा रहा। लेट्स गो गाइस। तो ये देखो कैसे एक्सीडेंट हो रखे हैं हिमाचल प्रदेश वाले रोडों पे। अपन को बिल्कुल आराम से लेके चलनी है अपनी गाड़ियाँ। और देखो रोड तो फिर अब ऐसे ही है ना, देखो कैसे आड़े टेढ़े रोड है, और यहाँ पे ना ट्रैफिक कम ही चलता है वैसे तो। ठीक है हाँ मिल गया तो मिल गया, क्योंकि अब हमारे ऐसे रोड है पर पीछे बहुत ट्रैफिक था। ठीक है अब यहाँ से हमें यहाँ जाना है। जिमी ने मुझे पूरा बता रखा मैप का क्या सीन है क्या नहीं, पर यार लड़ तो लगता ही है ना जिस हिसाब के माहौल है भाई। अरे देवा अरे देवा, उई माँ माता जी कैसे रोड है भाई साहब। यहाँ फोटो खिंचवाई थी हमने। अच्छा यहाँ खिंचवाई थी कि तुमने फोटो पीछे पर, चलो बढ़िया भाई। जिमी कह रहा है उसने यहाँ फोटो वगैरह भी खिंचवाई थी गाइस, सही है भाई। जिमी ने तो पूरे मजे लिए थे, अब हमारे मजे करने के टाइम आ चुके, तो अब हम चढ़ेंगे चढ़ाई। अब ये बता अब यहाँ से कहाँ लेनी है? राइट लेनी है। क्या बात है भाई, ओहो ये वो गाड़ी है जो पहाड़ से गिरी है। ये वो गाड़ी तो गाइस जिमी ने बताया कि ये है वो गाड़ी, देख सकते हो ये जो गाड़ी है ना गाइस ऊपर पहाड़ से गिरी थी और ये जल के राख हो चुकी है भाई साहब। झूठी वर्गी गाड़ी है। ओ भाई ये क्या देख लिया मैंने, ओ देवा रे देवा। एक बंदा इस भाई 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 निकलो यहाँ से जिमी। अरे घबरा क्यों रहे हो पितंश्री, क्या हो गया? निकल यहाँ से। हुआ क्या ये तो बताओ। उस बंद गाड़ी में बंदा है भाई, जला हुआ। बकवास ना करो भाई, मैं नहीं रुक रहा गाइस यहाँ पे। तो भाई मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से निकलते हैं भाई। अब ये तो बहुत ही बवाल वाली चीज है भाई, देवा रे देवा। और ये देखो गाइस ये आ चुका है, देखो हम अपनी डिफेंडर से खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने का भी अलग ही मजा है दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और ये ढलान भी आ चुके। तो ऐसे हम चलते हैं फिर आप लोगों से मिलता आगे जाकर। मैं थोड़ा डर भी गया हूँ यार पीछे का माहौल देख के। बात तो सही है तेरी जिमी, यहाँ रोड ऐसे ही है भाई आड़े टेढ़े। और पीछे ना गाइस हमें एक बंदा मिला, क्या कह रहा था जिमी? वो कह रहा था यहाँ से मत जाओ जाम मिलेगा, यही कह रहा था। और क्या, तो गाइस जिमी ने बोला हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि जिमी कह रहा जाम तो यहाँ लगता ही रहता है भाई। अब क्या करेगा, देखा जाएगा जो भी होगा। लेट्स सी बेटे, खड़ी चढ़ाई है जिमी ये तो भाई। देखना गाइस कितनी खड़ी चढ़ाई में जिमी लेके आ गया मुझे, हिमाचल में इतनी खड़ी चढ़ाई है, नीचे बिल्कुल खाई है भाई। देव रे देवा, और अपनी डिफेंडर वैसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है बेटे। जिमी आगे देख क्या हो रखा है, मेरे ख्याल से कुछ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को भी यही लग रहा है गाइस आगे एक्सीडेंट हो रखा है। लेट्स सी जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। बिल्कुल आराम से चला। ओ भाई आगे गाइस एक्सीडेंट हो रखा है भाई साहब हिमाचल में। मैं गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ। ओए तुम गाड़ी में बैठना, कोई नहीं निकलेगा। मैं तो निकल ही सकता हूँ यार। अरे नहीं तू भी नहीं निकलेगा मांडा, इसको पकड़ के रखियो, ये बहुत भागा है तेरा, ये कबूतर सा चूहा था। लेट्स गो गाइस देखते हैं क्या सीन हुआ है क्या नहीं। अरे देव अरे देवा, यहाँ एक दो तीन चार इसकी टेंट। देव अरे देवा, ओ एक गाड़ी तो देख सकते हो नीचे पड़ी हुई है भाई। देख सकते हो गाइज मैं अपनी डिफेंडर लेके, आपको पता है मैं फैमिली ट्रिप पे निकला पड़ा हूँ हिमाचल के लिए, और यहाँ देखो एक्सीडेंट हो चुका है, और एक गाड़ी तो खाई में गिरने को हो रही है पूरी की पूरी।
देवरे देवरे, एक बार मैं पता करता हूँ आखिरकार सीन क्या हुआ, फिर आप लोगों को बताता हूँ विस्तार में। देखो यार इस टाइम इतना सोचेंगे ना, सोच के कुछ नहीं होने वाला है जी, ठीक है, आराम से करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ऐसे गुस्सा एक दूसरे से लड़ने में कुछ नहीं होगा, गलती किसकी भी नहीं है, ठीक है, सब अपने आराम से ही चल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा इस क्या सीन है क्या नहीं। जिसका ये ट्रक है ना वो भाग गया, ट्रक वाला, क्यों, वो डर गया यार, क्योंकि ठुकी भी किससे, फॉर्चुनर वाले से ठुकी, और फॉर्चुनर वाला ये रहा हमारा ठाटा बंदा है, ये देख सकते हो कभी गुस्से में, पर ये भी मान गया कि भाई अब क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई। और ये हमारे केरला से भाई साहब आ रहे थे, और इनकी तो टाटा नेक्सन हवा में है, ये कुछ नहीं, चिल मूड में है। अब मैं आपको बता दूं हुआ क्या, मैंने पूरी स्टोरी जान ली है सबसे। इधर से ट्रक वाला आ रहा था और इसने इस साइड ले ली, क्योंकि आप जैसे तो ये वाली लाइन है इसकी, तो अब इसने ले ली दूसरी लाइन में हल्की सी, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है ना गाइज ये ख़राब हो रखी है और इसके ओनर का भी नहीं पता ये कहाँ है कहाँ नहीं। ट्रक वाले ने ठीक है भाई साइड से ले जाता हूँ, यहाँ गाड़ी खड़ी हो। अब इतने में फॉर्चुनर वाला भी अपना टोरे में आ रहा था झूं झूं करता हुआ। अब हुआ क्या, पहले फॉर्चुनर से आगे मैं आपको बता दूं टाटा नेक्सॉन थी, ठीक है, तो जैसे ही ट्रक वाले ने दूसरी लाइन ली, टाटा नेक्सॉन जहाँ से मेरी गाड़ी आ रही है वहाँ से आ रही थी, टाटा नेक्सॉन ने ट्रक वाले को देख लिया, उसने पूरी टाइट ब्रेक लगाए और कैसे ना कैसे करके उसकी गाड़ी यहाँ रुक गई साइड में आके, क्योंकि वो पूरी लाइन में नहीं ले जा पाया, क्योंकि इस टाइम पर ना सिचुएशन संभालनी दिक्कत हो जाती है, और इतनी जगह से तो कहीं टाटा नेक्सॉन वो निकालता, इसकी गाड़ी कैसे ना कैसे रुक गई। टाटा नेक्सॉन वाला जो केला वाले भाई साहब है ये उतर गए, पीछे से आ गई फॉर्चुनर, फॉर्चुनर वाला भी दबा के लेके आ रहा दबा के पंजा। अब मेन सीन ये है फॉर्चुनर वाले से संभाल ही नहीं गई फिर, और देख के मारी उसने ट्रक पे, ट्रक वाला भाग गया जब ही कि भाई ये तो गाड़ी ठुक गई दिक्कत हो गई। तो ये सीन हुआ गाइज, और ये देखो भाई इस ट्रक फॉर्चुनर और ट्रक के एक्सीडेंट में क्या हुआ, फॉर्चुनर को इतना कुछ हुआ नहीं है, और फॉर्चुनर के आ रही थी पीछे मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसने दे टक्कर मारी भाई साहब फॉर्चुनर में, और ज़्यादा डैमेज मैं आपको बता दूँ इनमें से एक गाड़ी में आया जो कि है ब्रेजा में। मैंने इनसे बात कर लिया, मैंने कहा अंकल जी देखो गुस्से वाली बात क्या है, और ये सारे लोकल ही हैं यहाँ के, मैं आप लोग सारे तो नहीं मतलब, हाँ ये अंकल जिसकी ये ब्रेजा वो यहाँ के लोकल है, तो देखते हैं भाई अब क्या करें क्या नहीं। अब सीन क्या ही है, निकालना सिचुएशन संभालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे भी ट्रक है, तो हम सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं, एक बार एक सोल्यूशन निकालते फिर आपको बताते हैं। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं हमने काफ़ी बात करी, केला वाले भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी खींचना मैं जब भी बैठूंगा, साथ ही साथ ये फॉर्चुनर वाले कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत ना, हो गया सो हो गया। अब जो हमारे हमारे हिमाचल वाले अंकल जी है ये थोड़े से सैड सैड हो रखे हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी में ज़्यादा डैमेज हो गया, पर इनसे भी सेटलमेंट होगी, इंश्योरेंस सभी गाड़ियों का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जान बच गई गाड़ी तो ठीक होती रहेगी। अब सॉल्यूशन ये निकाला है, जो पीछे मेरी गाड़ी के देख सकते हो एक और गाड़ी आ चुकी है, उन्होंने ये बोला है कि धीरे धीरे भाई गाड़ियाँ निकलवाओ, कैसे ना कैसे तो निकलवानी पड़ेगी, तो सॉल्यूशन ये है सबसे पहले हम ब्रेजा पीछे करने वाले। अंकल जी का भाई तू ही काट दे, अंकल के हाथ पैर कब पका रहे हैं, मैं कहा ठीक है भाई अंकल जी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो स्टार्ट तो हो गई इनकी ब्रेजा, तो गाइस इस ब्रेजा की ना टक्कर हुई है इस फॉर्चुनर से, ठीक है, तो ये सी ना हल्की सी मैं इस साइड रखूंगा गाड़ियां, क्योंकि अरे भाई मैं कैसे निकलूंगा, पर मेन सीन ये भी तो है, बस यहां रख लेते हैं लेट्स गो, क्योंकि मेरा निकलना भी तो जरूरी है। आए 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 ओ देवरे देवा भाई, अभी तो मैं ही फिसल जाता, मेरे घर वाले रह जाते। अब इसके बाद हम पीछे लेंगे गाइस फॉर्चुनर को, ठीक है, अब ये तो सारे टेंशन में है वैसे तो भाई, देखो अब एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाइस देखो बीपी प्रेशर तो सबका बढ़ने का है, तो इसीलिए देखते हैं भाई फॉर्चुनर में डैमेज क्या आया, ट्रक से भिड़ी है वैसे तो ये, ठीक है ओके। अब ये वाली लाइन खाली है ना, ओ भाई साहब फॉर्चुनर तो झोटी है गाइस, देख रहे हो कैसी आवाज़ कर रही है, पर ये इसका ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये ऐसी आवाज़ क्यों कर रही है टेडी टेडी। ट्रक वाला भाग गया, उसका ट्रक साइड में लगवा दूंगा कहीं, और इस फॉर्चुनर को मैं लगा देता हूँ इसके पीछे, ठीक है ओके, क्योंकि अभी यहाँ पीछे कोई बहुत कम गाड़ियाँ आती है इस रोड से। पर ये सीन जिमी ने मुझे एक चीज़ भी बताई है, चलो जिमी से ही पूछवाऊँगा मैं आपको। अब मैं क्या करने वाला हूँ मेन सीन है, ठीक है, गाड़ी खींचने में आपको जिमी से ये चीज़ पूछवाता हूँ। जिमी एक बात बता, जो तू मुझे बता रहा था ना वो चीज़ रिपीट कर एक बार, वो एक्सीडेंट वाला। हाँ एक्सीडेंट वाली, जब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था ना स्ट्रीट में, जब भी सेम लोकेशन पे ऐसा हुआ था पिता से, अगर किसी ने नहीं देखा तो देखना जरूर। मतलब तू कह सकते एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ये, बिल्कुल, तो गाइस देख सकते हो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी इस डिफेंडर से जो टाटा नेक्सॉन नीचे लटकी है इसे खींचने वाला हूँ, ठीक है। टाटा नेक्सॉन वाले ने कह दिया भाई ठीक है जब ही निकालूंगा मैं, तो ठीक है मैंने कभी कह दिया ठीक है भाई जब ही निकाल लियो। तो ये देखो गाइस खाई से गिरने से तो बचाई हमने, कम से कम इसे पीछे भी खींच लिया, बस ये मेन था। हम अपनी गाड़ी दोबारा इसी लाइन में खड़ी कर दूंगा और टाटा नेक्सॉन हम पीछे खड़ी कर देंगे भाई, टाटा नेक्सॉन ने अपना बचाव कर लिया, नहीं तो मेन सीन बताऊँ क्या होता, ये ठुकता किसके साथ, ट्रक के साथ
भाई साहब बंदे ने संभाल तो ली पर दिक्कत और हो जाती अगर गाड़ी संभलती नहीं, तो इस वाली को भी मैं पीछे खड़ी कर देता हूँ क्योंकि मेन ट्रैफिक निकालना गाइस कैसे ना कैसे। ये देखो फॉर्च्यूनर के पीछे अब हो रही है टाटा नेक्सोन, डैमेज तो फॉर्च्यूनर में ही हुआ, फॉर्च्यूनर वाले संभालते ही क्या यार, कट में पता थोड़ी चलता क्या आ रहा है क्या नहीं। अगर हाँ ये धीरे चल रहे होते ना तो ये बच भी जाते। अब देखो गाइस इस वाली गाड़ी का क्या ही बताना, ये किसकी है किसकी नहीं, सब इसकी वजह से ही हुआ। वैसे इस गाड़ी की वजह से ना ट्रक वाला इधर लेता ना कुछ होता। अब हमें बनानी है जगह, क्योंकि हमारी जगह बनानी जरूरी है जब भी हम आगे निकल पाएंगे गाइस, ये सीन है। अरे ठीक है ओके, पर ये क्या भाई इस ट्रक में तो लॉक लगा पड़ा है गाइस। स्टार्ट हम कर पा रहे हैं पर ये लॉक लगा पड़ा, और ये लॉक तो मैं आपको बता दूं जब तक वो बटन नहीं दबाते ना सीक्रेट वाला हम हिला नहीं सकते, और इतनी सी जगह से तो क्या ही गाड़ी निकलेगी अपनी। पता नहीं गाइस क्या होगा क्या नहीं भाई, और पीछे एक और ट्रक खड़ा है। मैं बात करता हूँ इनसे, इनको कुछ पता हो इस लॉक लुक के बारे में तो। कोई नहीं मैं करता हूँ आराम से। तो गाइस मैं आपको बता दूँ शाम का टाइम हो चुका है, ऐसे कि आपको बता हम खुद भी लेट निकले, तो पहले हमने बहुत ट्राई कर लिया कि इस ट्रक के बटन के बारे में पता चले, बिल्कुल पता नहीं चला। और जिमी कह रहा है निकल जाएगी गाड़ी, टाटा नेक्सोन वाला निकालने लगा उसे डर लग गया भाई खींचने गिर जाऊँ, तो वो कह रहा है भाई आप निकाल के दिखा दो, तो मैं ही निकालूंगा। और फॉर्चुनर और ब्रेजा वाले उल्टे चले गए अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए, तो सबसे पहले ये टाटा नेक्सोन निकाल के देखते हैं भाई, ठीक है, और फिर देखते हैं भाई। मेरे को खुद डर लग रहा है, देखना भाई, ओ भाई नीचे खाई है, डर लग रहा है। ओ बेटे देखना गाइस, ओ भाई हमारी डिफेंडर तो और चोरी है, देख डर लग रहा है। इसी का ओके चलो निकल गई। ओ बेटे ओहो निकल गई गाइस, निकल गई एक तो निकल गई भाई, ये तो निकल गई, मैं कैसे निकालूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई देवा। चलो भाई सर जी लेके जाओ आप अपनी गाड़ी, ठीक है, इसकी तो निकल गई गाइस, मुझे अपना समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा क्या नहीं। जब किस्मत तो खुद फिर की करेगा बोल बेटा, तो तू कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ट्राई करते हैं एक बार अपनी भी यार, अब क्या करें कुछ वैसे समझ नहीं आ रहा यार। जिमी उसकी टाटा नेक्सोन ही भाई बड़ी इतने टाइम बाद मतलब गिरने को होगी थी, ट्राई फिर भी मार लेते हैं पिताश्री मेरे ख्याल से। हाँ ट्राई कर ही लेता हूँ गाइस फिर भी, और क्या। चलो लेके निकल रहा हूँ यार अपनी गाड़ी, ना बहुत चोरी है गाइस, देखना मैं आपको दिखा दूँ ये तो भाई क्या ही निकलेगी। नहीं एक तो हमारी गाड़ी चोरी है जिमी, ठीक है, और ऊपर से टायर और चोरे हैं, तो भाई इसका तो निकलने का कुछ बनता नहीं गाइस वैसे तो। पर ट्राई बट डोंट क्राई, वो आपने सुना ना, हम वही ट्राई करने वाले हैं। नहीं 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 जिमी वहाँ का टायर देख, पीछे लो बेटा से गाड़ी खाई में जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल एज पे है। पक्का? हाँ भाई लेट्स गो गाइस, तो मैं गाड़ी पीछे ले रहा हूँ, जिमी ने कहा रिस्क मत लो क्योंकि बिल्कुल एज पे है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर क्या करें जिमी। वेट करते हैं सुबह तक, यही रुक जाते हैं आज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल हमारे पास। ओके सही कह रहा, तो गाइस देखते हैं। पर तूने कहाँ लगाई थी? पीछे पार्किंग में। पीछे लगाई थी, तो लेट्स गो गाइस, कुछ नहीं कर सकते जब तक ये ट्रक नहीं हटेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जिमी कह रहा उसने पीछे लगाई थी पार्किंग में, पर यार हम टेंट टूंट कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाऊं जिमी, यहाँ तो कोई पार्किंग नहीं है, पीछे घुसा दो पार्किंग थोड़ी है। यहाँ लगाई थी तुमने और क्या बेटे। अरे 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 जिमी, अरे अरे थोड़ा देख के पिताश्री, नचा दी गाड़ी। अरे तूने कहा था यहाँ लगा दो, आदो देख के लगानी है, पीछे लो जान दो अभी और क्या। अबे यार चलो कोई नहीं गाइस, ये तो शुक्र करो डिफेंडर है, तो ये निकल गई, इसे कुछ हुआ नहीं। ओहो मतलब आज फिर गाड़ी में सोना पड़ेगा हमें, तो जाते गाड़ी में क्या दिक्कत है। देखते गाइस अब क्या करेंगे क्या नहीं, यहाँ तो मैंने गाड़ी लगा दी, अमांडा उठ रही थी तो आपको बताओ ऊपर टेंट में सोते हैं, और आगे का माहौल जिस प्रकार है ना, हम आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। अब सुबह देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, फिलहाल हम अपना टेंट उंट लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊं या कल ही दिखाता हूँ कहाँ टेंट लगवाने हैं कहाँ नहीं। पर आपने देखा हिमाचल में एंट्री हो चुकी है, बर्फ़ वाले इलाके से तो निकल गए हैं हम, पर यहाँ हम स्टक हो चुके हैं क्योंकि बीच में ये दुर्घटना जो हो चुकी है, फॉर्च्यूनर का बड़ा भयंकर सीन हुआ वैसे तो यार, पर चलो क्या कर सकते हैं भाई। होप करता हूँ गाइस आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा आता चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलता है आप सबसे अगली एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली वीडियो। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए, और सबसे पहले हमारा कमेंट्स है पीयूष ठाकुर भाई का, तो ये कह रहे हैं बिग फैन, थैंक यू मेरे भाई पीयूष, कैसे हो आप। हसनैन भाई टॉप कमेंट, ना मेरा कमेंट ले लो प्लीज़। हसनैन भाई क्या ले, रोशन भाई क्या ले, विकी भाई क्या ले, ओके के वंडरलैंड भाई डिफेंडर पर जय श्री राम का झंडा लगवा लो, बहुत अच्छी लगेगी जय श्री राम पर। यार अब यहाँ कहाँ लगवाएंगे ट्रिप में, अब कोई नहीं, अब आके देखते हैं ट्रिप से
ठीक है मेरे भाई। और रोबिन भाई क्या ले, डिफेंडर कहाँ से ले यार, ऐसे ले आते हैं हम तो। निखिल भाई नाइस वीडियो, बिग फैन, लक्ष्य वीडियो, थैंक यू ब्रो। फेस कैम रिवील करो, फेस कैम तो ऑलरेडी रिवील है यार मेरा। ओके नाइस वीडियो अक्षय भाई, गुड लक, ग्रेट जो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूजर मेरे भाई। जिमी जैक शूट, ओ ये मज़ा आ गया, थैंक यू। माइकल अपन ने तो कमेंट वीडियो डाली नहीं, डाली है भाई, डाली है, क्यों नहीं डाली है भाई। हेलो, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू भाई। जिमी और माइकल दोनों मस्त लगते हैं, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सचिन सरस्वती, ओ पी नाइस वीडियो गेम, थैंक यू जस्ट मेरे भाई। प्लीज़ भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11, ओके ठीक है भाई। माइकल दादा हैवी ड्राइवर, माइकल दादा नहीं चलाते, अरे माइकल दादा तो बदमाश हो रहे। ओके MD भाई, रेहान भाई नंबर वन वीडियो, थैंक यू मेरे भाई। ऑल फाइन, हाउ यू ट्रिप, हाउ माइकल दादा, ऑल फैमिली, आप क्यों कैसे हो, हम बड़े हैं भाई, क्या हाल है, गाड़ी चलाओ। ओके टू डाइव चल, माइकल दादा वेलकम। ओके MD भाई, भाई मेरे GTA में मोड नहीं लग रहे, देखते भाई उसके बारे में बाद में देखते हैं ना, मेरे को आप मैसेज कर देना। आर्यन भाई टाटा अल्ट्रोज, ओके बिग फैन 2 सालों से, थैंक यू मेरे भाई। थार ले लो, ओके नाइस वीडियो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, मज़ा आ गया वीडियो में, एक नंबर, थैंक यू दान मेरे भाई। हेलो यूज़र, हेलो देवराज मेरे भाई, ब्रो एड्रेस दे दो। एड्रेस का क्या रखा मेरे भाई, इंस्टा में मैसेज करो मुझे, हिमांशु भाई। जे जे भाई OP बिग फैन, थैंक यू भाई, मेरे कमेंट पढ़ लो, पढ़ लिया भाई आपका कमेंट पढ़ लिया। ओके तो शक्ति रट्टार, आगे मौत सिद्धू ऊपर लेकर जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे बोल रहे फटाफट घर लौटो। अरे कछु नहीं होगा भाई, ट्रिप में मज़ा आने वाला है भाई। हाय भाई मेरा नाम, टॉप में ले लो बिग फैन, तन में भाई क्या लें, हाई स्टडी हब। ये टॉप में हम कुछ ही कमेंट ले सकते हैं, कि पूरी कमेंट्स ले लेंगे तो दिक्कत हो जाती है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुड लाइफ हेलो भाई, हेलो पीयूष भाई, हेलो भाई आप थार ले लो, पर ट्रिप से तो आए पहले हम। चंद्रयान भाई हेलो, चंद्रयान कह रहा हूँ, चंद्र भाई हेलो, अक्षय हेलो हेलो भाई भाई, नेक्स्ट ट्रिप केदारनाथ। ओके इसको तो खत्म करें पहले मेरे भाई। सुमित स्कॉर्पियो भाई हेलो, पहला व्यू मेरा है, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज ये थे हमारे कुछ कमेंट्स पिछली इस वीडियो के, तो होप कर दो आपको हमारी आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। मिलता है आपसे अगले एक ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली घड़ी।